इन दिस क्वेश्चन हमारा टारगेट क्या है, ये वाला रिएक्शन है कार्बन सॉलिड और ये सब्लिमेशन हो रहा है कार्बन गैसियस, है ना। तो हम ये जो गिवन रिएक्शंस हैं उनको ऐसे ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे कि ये हमारा जो टारगेट रिएक्शन है वो ऑब्टेन हो जाए और उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड हम कर लें। तो से दिस इज द टारगेट रिएक्शन। अब अपने को दिया है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैशियस CO2 गैशियस, तो इसको तो आप चेंज करो मत, सॉलिड ऐसे ही चाहिए। तो लेट इट वन, तो ये डेल्टा एच इसका कितना है -94.3 इन द यूनिट गिवन किलो कैलोरी पर मोल। CO2 तो चाहिए नहीं, है ना। सेकंड में CO2 बन रहा है तो उसको रिवर्स कर लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में ऐड करेंगे तो ये CO गैशियस प्लस हाफ O2 गैशियस टू, रिवर्स किया है तो एंथैल्पी चेंज को भी रिवर्स कर दो, ये कितना हो गया 67.4 इन द यूनिट्स गिवन। अब O2 गैशियस की तो कोई जरूरत है नहीं, तो इसको भी चेंज करते हैं, इधर O2 गैशियस कर देते हैं, है ना, और 2O गैशियस। तो ऐसा करने से ये कैंसिल होंगे, जब ऐड करेंगे तो एंथैल्पी चेंज का भी साइन बदल दीजिए, है ना। ये कितना दिया हुआ है 117 पॉजिटिव में दिया ना, तो अपन इसको नेगेटिव कर देते हैं, जैसे नेगेटिव वाले को पहले अपन ने पॉजिटिव किया था 2O गैशियस है। अब इसमें क्या दिया हुआ है CO गैशियस गिव C गैशियस, तो ये तो अपने को चाहिए, सी गैशियस तो प्रोडक्ट के रूप में, तो एज इट इज रखूं, लेट इट 4। और इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 230.6। अब इसमें हमें चेक कर लेना है कि इन सबको ऐसे एडजस्ट करना है कि नेट अपना रिएक्शन जो है टारगेट वाला, ये अपना रिएक्शन बॉक्स हो गया, ये ऑप्टेन हो जाए। तो देखें कैसे वो ऐड हो रहे हैं या कुछ बच रहा है क्या, CO2 तो यहां कैंसिल हो जाएगा और CO भी यहां पे जो है वो कैंसिल हो रहा है। इसके बाद O2 कैंसिल हो रहा है, ये O गैशियस है ना, O गैशियस ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरा ये क्या बचा C सॉलिड गिव C गैशियस, तो ये डेल्टा एच स्टार हो गया। कैसे आएगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, दिस द आंसर।